कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, जो मेरठ के इन्वेस्टर सबमिट में पहुंचे हैं। तमाम उद्यमियों से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या बातें निकलकर सामने आए, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। मंत्री, देखना चाह रहे हैं कि वाकई मेरठ की उम्मीदों को नए पंख लगने जा रहे हैं, क्या रहा आज इन्वेस्टर सबमिट? देखिए, जो उत्साह आपको दिखाई दे रहा है कि आज पूरा मेरठ जोन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और 17,000 करोड़ का इंडेंट ये दे चुके हैं। और हर तरफ जो हमारा ODOP का पहचान है, खेल कैंची, और हमारा जो यहाँ पर लोग बढ़ाना भी चाहते हैं, नया भी लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से ज्वेलरी वाले शॉप में जो तो ODOP ने पहचान दी है, इस पहचान को और मजबूती से 17,000 करोड़ का इंडेंट किया है। जो हमारे 10, 11, 12 तारीख को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, उसमें पूरी मजबूती के साथ मेरठ भागीदार बनेगा और इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा सर, एक गंभीरता मैंने भी आपके देखी, तमाम जितने स्टॉल्स हैं, आप सब स्टॉल्स पर जा रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, उद्यमियों से बातचीत भी कर रहे थे, ऐसी क्या चीज़ निकल कर आई कि 17,000 करोड़ एक छोटी मोटी रकम नहीं होती, बड़ी रकम होती है? ऐसा क्या रहा मेरठ में जो इतनी चीज़ें बदली कि उद्यमी यहाँ के लिए आकर्षित भी हुए और कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर यहाँ ज़मीन उपलब्ध हो जाए इनको, तो ये 1,00,000 करोड़ तक चले जाएंगे। अभी मंच से भी हमारे लोगों ने इस बात को की, क्योंकि भूमि की थोड़ी सी दिक्कत है और तमाम बातें उन्होंने रखी हैं कि तमाम ऐसी भूमि पड़ी, हमने भी अनुरोध किया है, तो अगर ज़मीन का इंतजाम करने में सरकार सफल हो गई तो यहाँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में आएंगे। कितनी नौकरियों की बात कर रहे हैं सर ये, कि भाई इतनी 1,00,000 लोगों को इस इन्वेस्टर समिट के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का लक्ष्य है, वो पूरा करेंगे। मेरठ में कितना निकल रहा है टारगेट है? अब वो जिले जो इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से। तो देखिए, तमाम जो चीज़ें हैं, कुमार सचान जी हैं मंत्री, उनका सीधा कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये इन्वेस्टर समिट कहीं ना कहीं जो मेरठ की तकदीर है वो बदलने का काम करेगी। और मंत्री का सीधा ये कहना है कि अगर इन लोगों को ज़मीन मिल जाए तो बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।